गुड मॉर्निंग क्लास क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 1। इसके दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। थर्ड वीडियो जो है इसका है और इसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है, मिक्स्ड इमोशंस है इसके अंदर। और जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे और साथ में मैंने इस वीडियो को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है उसमें भी मैंने ये कोशिश की है कि ये जो ऑथर जो है इसके जिस तरह का इमोशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने रीडर के लिए वो इमोशंस इंटैक्ट रह पाएँ, आप वो इमोशंस को फील कर पाएँ और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ कि क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। सो जहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो में कि उन्होंने लेटर को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इस वीडियो के अंदर पार्ट थर्ड ले रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि स्टार्ट करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। तो वो जो लेटर मैंने पढ़ लिया, एक्सप्लेन कर दिया, और वो लेटर जो है पढ़ने के बाद में जो बोल रहे हैं कि मैंने उसको केयरफुली एनवेलप में वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं रात भर जगा हुआ। कौन? जिसने वो रोल टॉप से डेस्क से लेटर निकाला था, उसने लेटर भी पढ़ लिया, लेटर को वापस एनवेलप में रख दिया। अब वो रात भर जगा, सो नहीं पाया। किसकी वजह से? उस लेटर की जो पावरफुल, जो उसके अंदर जो एक तरह से एक सोल्जर ने जो चीज़ें लिखी थी वार टाइम में, और वो इमोशंस उसको रात भर जगा के रखा। By morning I knew what I had to do. सुबह तक मुझे ये पता पड़ गया कि मुझे आखिर करना क्या है। I drove into Bradford just a few miles away. मैं कहाँ गया? Bradford, और वो कुछ few miles away ही था, ठीक है। I asked a boy walking his dog where Popper Witches was. तो मैंने एक बॉय था, वो अपने डॉग को सैर करा ले जा रहा था, तो उससे पूछा एड्रेस एनवेलप पे था ही। का हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल रूफ गैपिंग द विंडोज ब्रॉड अप। तो जो बिल्डिंग दिखी, जो मैं जहाँ पे जाने वाला था डेस्टिनेशन, वो बिल्डिंग बिल्कुल बर्न हुई हुई थी, जली हुई थी। अब क्या कारण था वो बिल्डिंग जली हुई थी? तो इसके लिए क्या किया, आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसेस मैकर्सन। तो मैंने पूछा कि भैया ये बिल्डिंग जो है वो मैकर्सन की, मिसेस मैकर्सन क्या वेयर अबाउट कहाँ पे है, क्या है क्या नहीं है, उसके लिए जानकारी के लिए मैंने नॉक किया, पूछा। तो उसने जवाब दिया, ओ यस सेड इट, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर ही न्यू हाउ वेरी वेल। तो ओल्ड मैन ने बोला कि यस, और वो अच्छे से जानता है। अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड। बहुत ही प्यारी लवली ओल्ड लेडी है, बुजुर्ग महिला है, लेकिन थोड़ा सा मडल हेडेड है, मतलब थोड़ा सा सनकी टाइप की है। और ये बट एट हर हेज शी वॉज एंटाइटेड टू बी वादन शी। और इस उम्र में तो ऐसा हो जाते हैं, जो बुजुर्ग अक्सर जो लोग होते हैं थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े सनकी, थोड़े से इरीटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो जो जाहिर सी बात है, तो वो एज भी उसकी ज़्यादा थी, तो ये 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की थी, तो इस उम्र में तो होना हो जाता है। A lovely old lady, he told me, she had been in the house when it caught fire. बताया क्या? वो तब घर में थी जब उस मकान में आग पकड़ गई। No one really knew how the fire had started, but it could be well have been candles.
She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. अब ये आग तो लग गई थी पड़ोस वाली बिल्डिंग के, और उसमें तब वो थी, और वो आग का एक्चुअल रीजन तो नहीं पता पड़ा, लेकिन वो एक्चुअल में घर में कैंडल जला के रखती थी, लाइट कम यूज करती थी, नहीं जलाती थी, क्योंकि उनको ये लगता था किसको, मिस्टर मैकर्सन को, कि लाइट जो है वो एक्सपेंसिव है, खर्चीली है, इस वजह से। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय पे फायरमैन जो है, फायर फाइटर्स है, उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, और शी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, और वो जो पड़ोसी है उसने बताया कि वो नर्सिंग होम में है, और उसका एड्रेस भी दिया, बर्लिंगटन हाउस ऑन लॉरेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, उन्होंने एड्रेस बता दिया कि नर्सिंग होम में जहाँ पे अभी करेंटली फेमस नर्सिंग होम था, तो मुझे बहुत इजीली वो नर्सिंग होम मिल गए। देयर वर पेपर चेन अप इन द हाफ वे एंड lighted Christmas tree stood in the corner with a low-sided engine on top. देखिए ये सेंटर थोड़ा सा ट्रिकी है। पेपर चेन, अब पेपर चेन से यहाँ पे मतलब ये है कि डेकोरेट करते हुए पेपर की चेन होती है, तो वो जो नर्सिंग होम था बेसिकली उस नर्सिंग होम के अंदर जो कॉरिडोर तक था वो पेपर चेन से, साथ की जो वॉल थी वो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते थी, जो लास्ट में एंड में क्रिसमस का जो था वो ट्री था, और उसके पास में एंजल, मतलब ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ कोई एंटी था, जो ऐसा लग रहा था कि कुछ एंजल जैसा जो लुक आ रहा, राइट। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने बोला कि मैं उनको विजिट करने आया हूँ, उनका फ्रेंड हूँ, और उनके लिए प्रेजेंट लेकर आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, हर कोई पेपर हैट पहन के सिंगिंग गाना गा रहा था, और क्यों नहीं गाए जब क्रिसमस का टाइम था, और क्रिसमस वहाँ पे बहुत ज़्यादा, एक हमारे यहाँ से दिवाली होती है वहाँ पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, हमारे यहाँ भी जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और वहाँ पे तो एक तरह से बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो वहाँ पे सिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम हैप्पी एनफ टू सी मी, मैट्रन जो नर्सिंग होम में केयर टेकर होती है, हेड होती है, मैट्रन बोलते हैं उसको, वो भी आई, उन्होंने मेरे को देखा और देख के बड़ी खुश हुई वो। जो जिसके अंदर मेंशन है, जो इसके अंदर बताया है कि एक तरह का गोल शेप में होता है, और उसके अंदर जो होता है नॉनवेज होता है उसका बना हुआ होता है ये। शी आस्क्ड मी along the corridor, corridor पे चलते हुए उसने मैंने पूछा, मिसेस मैकर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, मिसेस मैकर्सन जो है वो दूसरों के साथ में नहीं है। शी टोल्ड मी, उसने बताया, बोला कि शी इज रादर कंफ्यूज टूडे, वो थोड़ा कंफ्यूज है आज, सो वी थॉट इट इज बेस्ट इफ शी हैव अ गुड रेस्ट, आज थोड़ी कंफ्यूज, इसलिए हमने ये सोचा कि वो थोड़ा रेस्ट करे, अकेले रहे, अलग रहे, क्योंकि जब आदमी
थोड़ा सा रेस्टलेस होता है, तो उसको ऐसे क्राउड में हल्ले गुल्ला जो है वो पसंद नहीं होता, इस वजह से उसको अलग रखा। तो मैं चेन्नई डिसाइड किया था। She has no family, you know, no one visits. उसकी उनकी कोई फैमिली नहीं है, कोई उनको विजिट नहीं करता है। So I'm sure she shall be only too pleased to see you. और वो बहुत प्लीज होगी आपको देख के, क्योंकि उनको कोई देखने मिलने नहीं आ रहा, देखने नहीं आया है, उनकी कोई फैमिली नहीं है। She took me to a conservatory with a weaker chair. And potted plants all around left me. तो वो एक जो है कंजर्वेटरी में ले गई। कंजर्वेटरी क्या होती है कि जहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पौधे वौधे होते हैं और पॉटेड है, जहाँ पे एक पोर्शन अक्सर क्या होता है नर्सिंग होम के अंदर, इस तरह का एक पोर्शन होते हैं बीच में। और आपने देखा कि हमारा एक फ्रंट हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी एक जगह है जहाँ पे सॉर्ट ऑफ जो है एरिया है, जहाँ पे हल्के से पेड़ हैं, पौधे हैं। तो और ये एक तो ग्रीनरी रखती है, पॉल्यूशन को कम करता है और साथ में एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ पे वो उनको छोड़ देती है। इसके बाद है द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। अ व्हील चेयर पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है, हर हैड फोल्डेड, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उनके हाथ जो है वो लैप पे हैं, मतलब कि गोद के ऊपर उनके हाथ हैं। She had a silver white hair pin into a whiskey bin. अब ये जो वर्ड है, ये जो जूड़ा के लिए है, उसके अंदर एक सिल्वर पिन लगी हुई है और वो अपने उसमें व्हील चेयर में बैठी हुई है। She was gazing out at the garden, गार्डन की तरफ देख रही है। Hello, I said. She turned and looked at me vacantly. मतलब मैंने बोला हेलो, उन्होंने सुना, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पे या उनके मन में किसी तरह का चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और कोई इमोशन का, कोई जो एक विजिटर आता है अगर मिलने के लिए हॉस्पिटल में, तो और जिसके कोई विजिटर आ नहीं रहा है, अकेला है, तो वो कितना खुश होगा या सरप्राइज होगा। जबकि मिसेस मैकलसन की तरफ से कोई भी किसी तरह का कोई भी इमोशन नहीं आया, कोई भी उन्होंने एक्सप्रेशन अपना दिया नहीं। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया हैप्पी क्रिसमस, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मुझे ये मिला और मुझे लगता है कि ये आपका है। As I was speaking, her eyes never left my face. जैसे जैसे मैं बोल रहा था, उनकी आंखों ने मेरे चेहरे को नहीं छोड़ा। I opened the tin box and gave it to her. जैसे ही मैंने I opened a tin box. Tin box जो मुझे दराज से मिला था, उसको खोला, उसमें से मैंने वो दिया उसको। And That was the moment her eyes lit up with a recognition and her face became fused with the sudden glow of happiness. अब क्या है कि अब तक तो जो है उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही उनको मैंने वो टिन बॉक्स में से दिया और उन्होंने वो पहचाना, तो मेरी उनकी आंखें जो है वो लिट अप हुई, मतलब जो आंखों की जो पुतलियां थी वो फैल गई और उनके चेहरे जो है वो ग्लो आ गया अचानक से। ओके, अब ग्लो किसका है? हैप्पीनेस का। आई एक्सप्लेन अबाउट द डक्स, मैंने डक्स के बारे में बताया, एंड हाउ आई फाउंड इट, मैंने कैसे मिला ये बताया, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग,
लेकिन मेरे को लग रहा था कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो मेरी सारी की मैंने कैसे बताया, मैं गया कबाड़ की दुकान पे, मैं जा रहा था, मैंने वो लिया, फिर मैंने तोड़ा और मिला इस तरह का और ये वो, लेकिन वो जो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जो थी कोनी जैसे मकरसन वो सुन नहीं रही थी बातों, कैसा लगा आपको? फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कुछ नहीं बोला, थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक लेटर को स्ट्रोक धीरे धीरे मारना, द लेटर टेंडरली प्यार से विद हर फिंगर टिप, फिंगर के टिप से उस लेटर को स्ट्रोक कर रही थी, एंड सडनली शी रिच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और सडनली वो मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, टुक माई हैंड, मेरा हाथ लिया, हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सेड, तुम, और वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि तुमने मुझे बोला था, तुमने मुझे वादा किया था, एक तरीके से ये उनका कहने का ये मतलब है कि क्रिसमस तक तुम घर आ जाओगे, डियरेस्ट, डियर से भी जो प्यारा होता है डियरेस्ट, क्या बोलेंगे उसको प्रिय हिंदी में अगर बिल्कुल बोलना चाहे तो, एंड हियर यू आर, और अब तुम आ गए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये क्रिसमस प्रेजेंट बेस्ट है, Come closer, Jim. Come closer, Jim dear. Sit down. Come closer. Pass now, Jim dear. Bench up. Ab kya hai ki wo, she was so surprised by recognizing that letter, that she, her mind get into a state of, you know, euphoria. Or in case of extreme happiness, she started believing that her husband has रिटर्न फ्रॉम द बैटल, तो एक्चुअल में ये विश्वास करने लग गई कि उसके उनका जो हस्बैंड है वो वापस आ गए हैं, जिम जो है वो वापस आ गए हैं, वो एज्यूम करने लग गई, और इसलिए उन्होंने कहा कि बैठो मेरे पास में, आई सेट डाउन बिसाइड हर, वो मैं बैठ गया, शी किस्ड माय चीक, उसने मेरे गाल पे किस किया, आई रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारा लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैंने तुम्हारा लेटर पर कई बार पढ़ा दिन में, अक्सर पढ़ती थी, आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी अपने जहन में, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, ये हमेशा मुझे किस तरह का एहसास दिलाता था कि जैसे यू आर विथ मी एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ हो, मतलब एक्चुअली पहले जो वो बोल रही है वो ये बोल रही है कि लेटर के थ्रू मैं रेगुलर ये फील करवाती थी कि जैसे कि तुम मेरे साथ में हो, और आज ये देखो कि तुम मेरे साथ हो, एक्चुअली वो साथ नहीं है, लेकिन एट ए स्टेट, एट दिस स्टेट उनको बिलीव होने लग गया, ये मेंटल स्टेट ऐसी होगी उनकी, एंड नाउ And now you are back and you can read it to me yourself. अब तुम यहाँ पे हो, back, अब तुम पढ़ सकते हो, to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? क्या तुम मेरे लिए करोगे? I just want to hear your voice again. मैं तुम्हारी आवाज फिर से सुनना चाहती हूँ. I would love that so much. मैं बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी. And then perhaps we have some tea, और उसके बाद हम कुछ चाय पियेंगे. I have made you a nice Christmas cake. मैं मार्च पिन ऑल अराउंड इसके चारों तरफ मार्च पिन होगा, ऐसा केक बनाऊंगी. आई नो हाउ मच यू लव मार्च पिन, और मुझे पता है कितना पसंद करते हो. तो ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर यहीं पर आपका खत्म होता है. तो इसके बारे में, इसके आगे जो क्वेश्चन सर मैं आगे दूंगा आपको, आज ही रखते हैं. थैंक यू.